मैंने कुछ मंगवाया है वो क्या है। ओके रोल। और फातिमा ने ये पिज्ज़ा मंगवाया है अभी। अरे हाँ यार सही में ये जला है, इसकी फोटो खींचो। और रोल जो मम्मी खा रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने जले हुए पिज्ज़ा की कंप्लेंट जोमेटो पे डाली, जिसका हम लोग को रिफ़ंड भी आ गया। और फिर आया योगा क्लास का टाइम और मैंने ऑनलाइन ही क्लास ज्वाइन कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। कहक ने भी मेरे साथ योगा करना स्टार्ट कर दिया और वो बहुत ही खुश था। काफ़ी अब अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे कि वो कब आएंगी मेरे पास। अरे कहाँ छुप गए तुम? तो मेरा योगा हो गया कंप्लीट और मैं बैठी हुई थी, कहा कि पॉटी साफ करी थी, तो मैं देखा कि दो अनजान शख्स मेरे घर में आ गए हैं और इन्होंने कैप्चर कर लिया घर को। कहा पहचान भी नहीं पा रहा है अपने अब्बा को। अब्बा कोई पहचान नहीं पा रहा अपने अब्बा को। वाह। और अम्मा को भी नहीं पहचान पा रहा। हमको तो पहचान गया था, हंसा था भी। तो कैशुअल अभी आ चुके हैं और मम्मी अब्बा के साथ जा रही है ड्रेसिंग करवाने अपने हाथों की। तो मैंने सोचा कि मैं घर का खाना बना दूं और मैं आज बना रही हूँ सौंफ वाला गोश्त, मतलब मटन है सौंफ वाला। तो अब देखते हैं कैसा बनता है, आज अच्छा बन जाए। सारी चीज़ें मम्मी ने बताई, बस मैं इसको भूनूंगी अच्छे से। और ये सब कुछ एक साथ हमने डाल दिया, इसमें सारे मसाले डाल दिए और इसको पकने के लिए चढ़ाने जा रहे हैं। तुम आए हो और तुम बस तुमको कब नहीं पहचान रहा है, तुमको हम नहीं पहचान रहे। कोई मेरा गला दबा रहा है और ये है वो उसका आदिल। सॉरी 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 गलत हो गया। कोई मेरा गला दबा रहा है और ये है मेरा कातिल, आप लोग देख सकते हैं। तो फातिमा कहब के बहाने ढेरों सामान लेके आई है, दिखाते हैं। ये इंसान बस चाहता है कि मैं इसका काम करती रहूं। और ये देखें कितना काम करवाता है, कितना काम करवाता है। इस काम के बदले क्या ना क्या देगा मुझे ये? 10 रुपए के चुटकुले। तुम क्या दिखाना चाहते हो? वह हाथ में क्या है? इस गंदहल इंसान। चाय पियो अपना। क्या है ये? पास्ता मैक्रोनी नहीं बनवा बनाया है, चीज मैक्रोनी ना। चीज तो कहीं लगी नहीं, स्मेल आ रही है। कैश इसका टेस्ट बताओ ना कैसा है? हम कभी नहीं खाए। कैश इसका टेस्ट बताओ कैसा है? फातिमा खाला कुछ भी खा सकती, मेरा कहब नहीं खा सकता कुछ भी ना। कहब तो गैश तुमको ये मैक्रोनी कैसी लगी? चीजी मैक्रोनी खा लो। मम्मी देखिए चादर पे गिराई। मम्मी मम्मी देखिए देखिए ये अल्टीमेट तुम लोग गंदगी कर रहे हो। ये था। तो ये कैश मेरे टॉफीज लेके आए, पर इनको पता नहीं है शायद कि मैं डाइट पे हूँ। सुन रहे हो तुम? अजी सुनते हो? तब मैं डाइट पे नहीं थी ना। तो मेरा मटन रेडी हो गया है और चलिए आपको दिखाते हैं कैसा बना है। ये देखिए ऐसे ज्यादा समझ में आएगा, ये ना बिल्कुल मैश कर दिया था ऐसा मटन होता है। और ये इसके साथ रायता है और
ये अब्बा नान लेके आए हैं इसके साथ खाने के लिए। तो अब हम इसको सर्व करने जा रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, सीरियसली वाओ, ओके इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में, खाने में इससे बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होने वाला, इडली ये वाला खाते लग रहा है। साथ लगा देंगे क्या, उसी साथ डालेंगे क्या? आज कहा को अलग बैठा दिया गया ताकि किसी को अपना तो आराम से। सॉरी कुछ भी ना? तो हम लोगों ने खाना खा लिया था और टॉफी खा रहे हैं, बाकी सब लोग कहा मोबाइल में सब लगे हैं। कहाँ की उड़ान भरेगा? निकाल देगा ये लड़का भी। तो अब हम और गए जा रहे एक लॉन्ग ड्राइव पे। हम लोग बेसिकली लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए थे बल्कि हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गए थे, क्योंकि जब से कहफ हुआ है हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाए हैं। लग रहा है मिस्टर कैश सांस लेने को नहीं कहा। चलो आइसक्रीम खाएंगे हम लोग। यस, ये पता कर लेना का मैंगो शेक मिलता है तो लवली पास में ले चलेंगे। इफ दे आर पूछ लेना कौन सी आइसक्रीम है। ओके, आज कैश का खुद से मन किया है लॉन्ग ड्राइव का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत सारी बातें की रास्ते में। तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप वीक में या टू वीक में आते हो और ख़ुद से अपने आप को ख़ुद से आप इन्वॉल्व होते हो कि कहीं बाहर जाना है घूमना है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है, लगता है कि चलो मतलब एक अच्छा वाइब्स आता है। मैंगो शेक है ये। मैं अपना फ़ोन लाना भूल गया, वरना मैं ब्लूटूथ पे ना अच्छा सॉन्ग लगाती हूँ। पर FM तो है ना, FM हम लोग लगाएंगे। फिर कैश आ गया और हम उन्हें साथ में बैठ के आइसक्रीम खाई और ढेरों बातें करी, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग वापस आ गए हैं और इन लोग के लाए हैं मैंगो शेक और अपने लिए भी लाए मैंगो शेक, और आज की तो डाइटिंग की हो गई, धज्जियाँ उड़ गई हैं। तो जब हम लोग लौट के आए देखा कहफ सके उठ चुके थे और अपने नाना के साथ खेल रहे थे और हम लोग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। लेकिन देख तो अपने अब्बा को रहा है, वो खेल नाने के पास गया रोते रोते। तो गाइस आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ और मैं अब कहफ को जा रही हूँ सलाने, कैश उसके साथ खेल रहे हैं। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। Good night, Allah Hafiz, Chabak hai, to take care of yourself, bye bye, ta-ta.